ये देखिए, आप ये तीन अंडे देख रहे हैं, ये एक जानवर है, पंजाब में हम इसे टट्योली बोलते हैं। ये अंडे इसने हैचिंग के लिए रखे हुए हैं, ये हैचिंग कर रहा है इन अंडों की। और ये देखिए अंडों की प्रोटेक्शन के लिए किस तरह लड़ भी रहा है, लड़ने के लिए तैयार भी हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये नॉर्मल ज़मीन से जो है हमने इसे काफ़ी ऊंचा कर रखा है। जब इसकी कल्टीवेशन की थी इसको पैक किया था ताकि अंडे बचे रहें, फिर इस जगह को कुछ ऊंचा किया गया, आप देख रहे होंगे। और उसके बाद एक सेकंड दूसरी प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई है जो आपको यहाँ से अब काफ़ी साफ दिखाई देगी, ताकि इन अंडों को पानी ना लगे। और हैचिंग के लिए जो सही टेम्परेचर चाहिए वो इन्हें मिल सके और इन अंडों में से बच्चे निकल सकें। अगर मैं पीछे दिखाऊं आपको तो देखिए ये खेत जो है इरीगेट हो चुके हैं, इनमें जो है पानी लग चुका है। और आज रात ये जो खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें ये अंडे पड़े हैं, आज रात इस खेत में पानी लगेगा। तो हमने एक तो फर्स्ट, ये देखिए, एक तो फर्स्ट जो है ये बना रखा हमने, जो आप देख रहे हैं काफ़ी ऊंचा है, इसमें अंडे पड़े हैं। ये फर्स्ट तो ये बना रखा है, और सेकंड प्रोटेक्शन जो है हमने इसके साइड में एक और बना दी है। ये देखिए ये सेकंड प्रोटेक्शन है, ताकि ये अंडे जो हैं ये गीले ना हों और इनकी हैचिंग का जो भी टेम्परेचर इन्हें चाहिए वो इन्हें मिलता है। ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई बार कहा जाता है कि हम लोग जानवरों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। हमारे खेतों में इस तरह के इंसिडेंट जो हैं अक्सर होते रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि पहले मोबाइल्स नहीं होते थे, उनमें कैमराज नहीं होते थे, इसलिए हम लोग आपको ये दिखा नहीं सकते थे। ये देखिए एक जानवर नहीं है, एक ये है, एक जानवर अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो एक जानवर वो देखिए, एक टट्याली वो बैठ रही है, देखिए एक वो है, एक ये है, और एक शायद यहीं कहीं और होगी, वो काफ़ी दूर है, वो कैमरे में नहीं आ रही है, काफ़ी दूर है वो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जब इन्हें डर होता है कि हमारे अंडों को कोई नुकसान कर रहा है तो ये काफ़ी लड़ते भी हैं। तो मेरा ये वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि हम ये ना कहें कि हम जानवरों को प्रोटेक्ट नहीं करते। ये देखिए जानवर कैसे देखिए मेरे पर अटैक करने के लिए आ रहा है, ये देखिए। तो ये हमने सेकंड वॉल, फर्स्ट वॉल अंदर बनाई है और सेकंड वॉल जो है बाहर बनाई है, ताकि ये अंडे जो हैं बिल्कुल सुरक्षित रह सकें, इनकी हैचिंग हो सके और हमने ऐसे आगे बच्चे निकल जाए। थैंक यू। अगर जब इसमें से बच्चे निकलेंगे और पॉसिबल हो सका तो मैं आपको वो बच्चे भी दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।